नमस्कार साथियों, जय भीम। आज हम कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा जगजीवन राम के जो साक्ष्य थे, जो गवाही दी गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले सबसे पहले दोनों व्यक्तित्व के ऊपर एक नज़र। अंबेडकर साहब का जन्म 1891 में हुआ था, जगजीवन बाबू का जन्म 1908 में हुआ था। अंबेडकर साहब की शिक्षा पहले मुंबई महाराष्ट्र और फिर अमेरिका और इंग्लैंड में हुई थी। जगजीवन बाबू की शिक्षा कलकत्ता और बनारस में हुई थी। अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर साहब कई संगठन चला रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और उसके अलावा अखबार और मैगजीन तमाम चला रहे थे। स्कूल कॉलेज की भी संस्थाओं के निर्माण की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और इधर जगजीवन बाबू बिहार में 1935 में बिहार डिप्रेस क्लासेस लीग के अध्यक्ष थे और इसके साथ साथ 1937 में बिहार प्रोविंशियल किसान मजदूर सभा का उन्होंने गठन किया था। तो दोनों के व्यक्तित्व का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अंबेडकर साहब का इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर ज्यादा बेहतर था। वो पहले अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। वो 1935 तक एस्टैब्लिश्ड लीडर एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल हो चुके थे। साथ साथ एक्सपोजर का जो एक्टिविज्म के एक्सपोजर का जो लेवल था उसमें भी अंतर है। अंबेडकर साहब 15 साल बड़े थे जगजीवन बाबू से और महाराष्ट्र में भी वैसे भी जो डिप्रेस क्लासेस का जो असर्शन था वो काफी पावरफुल था। कल्चरल पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट की परंपरा थी काफी पावरफुल था वहां पे। और वो आप देखिए भीमा कोरेगांव से लेकर वो लीगेसी आ रही है, फिर ज्योतिबा फुले साहब, उसके बाद तमाम वो एक लीगेसी है, एक हेरिटेज है। लेकिन बिहार में अब तक जो है उस तरह का कोई दलित प्रोटेस्ट, कोई मूवमेंट डिप्रेस क्लास, कोई स्ट्रांग आंदोलन, इंडिपेंडेंट आंदोलन नहीं हुआ था। इसलिए दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व में जाहिर है कि उनके परिवेश का, उनके ट्रेनिंग का, उनकी परंपराओं का, उनके लीगेसी का अंतर होगा ही। तो ये है दोनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण। बहरहाल जब रॉयल इंडियन नेवी और एयरफोर्स का जब विद्रोह हुआ फरवरी 1946 में मुंबई में, उसके बाद से ब्रिटिश हुकूमत को यह लगने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत होगा और वो ये समझने लगे थे कि लंबे समय तक हम भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं एटली साहब, वो 1946 में 15 मार्च 1946 को उन्होंने एक घोषणा की कि वो एक कैबिनेट कमीशन भारत जाएगा और वहां के नेताओं से बातचीत करेगा और वहां की समस्याओं का समाधान, सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो, ट्रांसफर और पावर कैसे हो, इस पे चर्चा करेगा। तो तीन कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उनकी एक कमिटी बनी, इसको हम पॉपुलरली कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। उनके नाम थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वी ए अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पी लॉरेंस। ये तीन जो लीडर्स थे इनकी टीम मुंबई पहुंची 24 मार्च 1946 को और इनका उद्देश्य था कि भारतीय राजनेताओं से बात कर कैसे समस्या का समाधान करें, यह मूलतः इनका उद्देश्य था। इधर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से अंबेडकर साहब को अधिकृत किया गया कि वो बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से वो अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम 17 अंग्रेजी वाली वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में ये पूरा आपको प्रोसीडिंग मिलेगा, तमाम चिट्ठी पत्री और मेमोरेंडम। तो अंबेडकर साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बिहाफ पे 16 पन्ने का एक मेमोरेंडम सौंपा था कैबिनेट मिशन को और उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। ये पूरा वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में सारा डिटेल्स अवेलेबल है। दूसरी तरफ जगजीवन राम ने अपने दो और साथियों के साथ तीन लोगों ने साइमन कमीशन के सामने गवाही दी थी। तो ये दोनों पक्ष किस तरह का था, दोनों ने क्या क्या बातें कही थी, उसका एक कॉम्परेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो शोधार्थी होंगे भविष्य के वो और जाकर वो पड़ताल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि और क्या क्या विशेष बातें हुई थी। लेकिन ये मैं बातें कह रहा हूं कलेक्टेड राइटिंग्स एंड अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो राइटिंग्स, उसके बेसिस पे ये बात कह रहा हूं। तो अंबेडकर साहब ने जो मेमोरेंडम दिया वो 16 पन्ने का है और उसमें पूरी ताकत, पूरी शक्ति और विवेक के साथ उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात पुनः दोहराई।
इसके साथ प्रांतीय और केंद्रीय जो विधानमंडल हो उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके साथ साथ शिक्षा और जीवन को बेहतर करने के लिए धन राशि का एक बंटवारा हो, ये बहुत ही प्रमुखता से उन्होंने ये बात रखी। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही उस सार संक्षेप में आपके सामने मैं रखता हूं। उनका यह मानना था, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा के पक्ष में नहीं हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनेगा तो यह सिर्फ ऊंची जातियों के प्रभुत्व में रहेगा, कास्ट हिंदूज के प्रभुत्व में रहेगा, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो उनके बीच एक स्मॉल माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे, इसलिए कभी भी उनको आउट वोटेड किया जा सकता है, उनकी बात ही वहां नहीं सुनी जाएगी। इसलिए वो पहली दफा वो कह रहे थे कि हम संविधान सभा के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके साथ उन्होंने दो कंडीशन लगाई, दो प्रस्ताव रखे सामने कंडीशन। पहला कंडीशन था, वो था संवैधानिक प्रश्न को लेकर, कि इसका मतलब ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या रिश्ते हो, क्या संबंध हो, उनका कॉम्पोजिशन कैसा हो, वो कार्य कैसे करें, इस पे विशद चर्चा हो और इसको कैसे चर्चा की जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया वो कह रहे थे कि एक कमीशन का गठन हो और कमीशन में उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन या यूएसए से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के एक्सपर्ट वकील हो उसकी अध्यक्षता में ये कमीशन बने, या तो ब्रिटेन से या यूएसए से एक्सपर्ट लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले के जो एक्सपर्ट लॉयर हैं उनकी अध्यक्षता में ये बने। दूसरा, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो 1935 का एक्ट बने, उसका आधार, बातचीत का आधार 1935 का एक्ट हो, और यह अनुशंसा करे जो ये कमिटी है, जो कमीशन है, कि इसमें और क्या क्या, इस एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो ये पहला उन्होंने प्रस्ताव वहां पे रखा था। दूसरा प्रस्ताव जो रखा था वो था सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर। तो सांप्रदायिक प्रश्न के सवाल पे उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदाय के नेताओं के का अधिवेशन होना चाहिए, उसमें बातचीत होनी चाहिए उनके बीच, अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होता है तो ब्रिटिश हुकूमत जो महामहिम है जो वो स्वयं निर्णय करे, इस समस्या का समाधान करें। तो कुल मिला जुलाकर अगर देखेंगे तो कैबिनेट जो मिशन है उसके सामने जो प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर का था, उन्होंने दावा ठोका कि ब्रिटिश हुकूमत जो शेड्यूल कास्ट है उनके संवैधानिक अधिकार है उनकी गारंटी करे, जीने के लिए मानवीय अधिकार स्वतंत्रता की गारंटी दे, और इसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के कानून को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मांग को लागू करे, और इसके साथ साथ मेमोरेंडम में और जो मांगे दी गई हैं उसका पालन करे, उसको लागू करे, उसको पूरा करे। ये लबोलुआब नटशेल में ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद जगजीवन राम जी का भी वहां पे ये होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी गवाही होती है, और वो गवाही में उनके साथ दो लोग और हैं, उनका नाम मैं बताना चाहता हूं कि वो नाम है राधानाथ दास और पृथ्वी सिंह आजाद। डिप्रेस क्लासेस लीग की तरफ से जगजीवन बाबू, राधानाथ दास और पृथ्वी सिंह आजाद ने कमीशन के सामने अपना संयुक्त बयान दिया। इन्होंने कहा, जो नटशेल में जो बातें हैं वो कही, कि देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रस्ताव का हम विरोध करेंगे, किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंगे। दूसरा, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन से अल्पसंख्यक की समस्याओं का समाधान नहीं होगा बल्कि ये समस्याएं और बढ़ेंगी और अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। आगे ये कहते हैं अपने गवाही में कि नए संविधान में ऐसे प्रावधान हो जिससे कि अल्पसंख्यक शेड्यूल कास्ट के हित के साथ साथ उनके भाषा, संस्कृति इत्यादि की रक्षा हो। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि आंतरिक सरकार के अंतर्गत किसी समुदाय के हित के ऊपर किसी दूसरे समुदाय को वरीयता न दी जाए, कि एक समुदाय के हित के ऊपर किसी दूसरे समुदाय को वरीयता न दी जाए, अगर ऐसा होता है तो शेड्यूल कास्ट को भी वरीयता मिले। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि
जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार को रक्षा, वित्त और विदेश मामलों में कानून बनाने का अधिकार हो। अंतरिम सरकार के सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य द्वारा निर्वाचित हों और अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया जाए। ये मोटा मोटी इन्होंने बात कही थी, लेकिन अंबेडकर साहब के संदर्भ में जो बातें उन्होंने कही वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और हमारे डिप्रेस क्लासेस लीग में अंतर यह है कि फेडरेशन मानता है कि शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है और अपने आप में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जबकि लीग मानता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं और हिंदुइज्म के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। यह बात वहां पे अंबेडकर से एक डिपार्चर है। तो शेड्यूल कास्ट के लोग, इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को देश के अन्य लोगों के स्तर पर लाने के लिए लीग विधान मंडलों और नौकरियों में स्पेशल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी मांग करता है। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 505 में ये साक्ष्य अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब ये दो तरह की बातें हैं और आप देखेंगे कि कल हमने बात की थी कि 1937 में चिट्ठी लिख रहे हैं जगजीवन बाबू अंबेडकर साहब को और उससे गाइडेंस लेने की बात हो रही है कि मिलकर हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहां 1946 में मुझे लगता है कि 37 बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जगजीवन बाबू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, कैसे उन्होंने ज्वाइन किया, उसकी पड़ताल होना बाकी है, वो शोधार्थी, भविष्य के शोधार्थी उसको पड़ताल करेंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं 1946 में बाबा साहब अंबेडकर और जगजीवन बाबू के बीच में एक डिफरेंस ओपिनियन आ रहा है, जहां बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं, वहीं वो बात जगजीवन बाबू के डिमांड में कहीं नहीं है। दूसरा, बाबा साहब 46 तक 35 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, तो इसलिए एक तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कैसे वो कौन सा धर्म अपनाएंगे विमर्श का विषय है और धीरे धीरे उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जगजीवन बाबू कह रहे हैं कि मैं हिंदू ही हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू ही हैं और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो ये मेजर दो एक सोशल और एक पॉलिटिकल डिफरेंस डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन बाबू के बीच में स्पष्ट यहाँ पे 1946 में दिखाई देता है। साथियों, इस पे और ज्यादा पड़ताल होना बाकी है, छोटे छोटे वीडियोस में आपसे बात कर रहा हूं और मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि भविष्य के शोधार्थी को सहूलियत हो, आसानी हो कि जब भी वो ढूंढे, तलाश करें, पड़ताल करें तो उनके पास कम से कम ये बेसिक जानकारी उनके पास हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी अगर आप ये विमर्श पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि साइमन कमीशन से चर्चा शुरू हो और साइमन कमीशन से लेकर फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर पूना पैक तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किनकी क्या भूमिका थी, कौन कौन किरदार थे, मीडिया का क्या रोल था, ये तमाम बातों पर चर्चा करें। इसलिए जब ये अच्छा लगे अगर विमर्श तो जरूर इसको लाइक करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। शुक्रिया साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, जय भीम, थैंक यू। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।